दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RM सेलिब्रिटीज पे। सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन के फैंस के लिए एक बेहद बड़ी खबर। बॉलीवुड के शहंशाह कोरोना को मात देकर सही सलामत घर लौटे हैं। उनकी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें नानावटी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला है। ये सुखद खबर उनके लड़के और फिल्म स्टार अभिषेक बच्चन ने अपने ट्विटर पर शेयर की है। अभिषेक ने लिखा है, मेरे पिता की लेटेस्ट कोरोना टेस्ट निगेटिव आई है। उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वो अब घर पे ही रहेंगे और आराम करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 11 जुलाई को अमिताभ समेत अभिषेक, ऐश्वर्या और पुती आराध्या का कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनका मुंबई के नानावती हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। इसके बाद अभिषेक, ऐश्वर्या और आराध्या की ट्रीटमेंट होने के कारण उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी मिल गया था। लेकिन 77 ईयर्स के इस महानायक का इलाज पिछले 23 दिनों से हॉस्पिटल्स में ही चल रहा था। अपने ट्रीटमेंट के दौरान अमिताभ सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते थे और अपने अपडेट्स हमेशा शेयर करते थे। आइए देखते हैं उनके हॉस्पिटल के कुछ वीडियोस। नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन। आई एम वॉन्टिंग टू टॉक टू ऑल द डॉक्टर्स, नर्सेज एंड द स्टाफ एट नानावती हॉस्पिटल फॉर देयर ट्रेमेंडस वर्क दैट यू आर डूइंग इन दीज वेरी ट्राइंग सर्कमस्टांसेस। अभी हाल ही में मैंने ट्विटर पे एक सूरत, गुजरात में सूरत में एक बिलबोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि आपको मालूम है मंदिर क्यों बंद है, क्योंकि भगवान जो है सफेद कोट पहनकर अस्पतालों में काम कर रहे हैं। आप जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेस और जितने भी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, आप सब में एक ईश्वर का रूप है। आप सब इतनी मेहनत के साथ इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। जीवनदायी बन गए हैं आप, और मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर आपकी सराहना करता हूं, नतमस्तक हूं मैं आपके साथ। बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है, और आप ना होते तो ना जाने इंसानियत कहां जाती। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि ये दिन थोड़े से निराशजनक है। दे आर ट्राइंग टाइम्स, एवरीवन इज बीइंग वर्क्ड टू देयर एब्सोल्यूट लिमिट्स। देयर इज ऑलवेज फियर, देयर इज परहैप्स डिप्रेशन, बट प्लीज Do not despair. Do not panic. We're all together in this. We're all working together. And we hope and wish that very soon we shall come out of these extraneous circumstances. Thank you so much, Nanavati Hospital, and all the nurses and doctors and the people that are working there, the staff at Nanavati Hospital. I have had a wonderful experience every time I have been to your facility. और मैं जानता हूं कि आपका स्नेह, आपका प्यार मेरे स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक रहा है। आज मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह काम करते रहें। पूरा देश आपको इज्जत से देखता है, स्नेह से देखता है, और जैसा कि मैंने कहा, आप सब जो हैं ईश्वर का रूप है, आपकी ईश्वर रक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अमिताभ के परिवार को कोरोना पॉजिटिव पाने के बाद बीएमसी ने तुरंत हरकत में आते हुए अमिताभ के तीनों बंगले प्रतीक्षा, जलसा और जनक को सैनिटाइज किया था और सीज भी कर दिया था। अभिषेक बच्चन विद ट्वीटेड अबाउट द सेम अबाउट कॉन्ट्रैक्टिंग डिसीज एंड देवर फाउंड पॉजिटिव एंड ओवर हियर इज नाउ
the whole label that has been put up by the BMC officers explaining that this is a containment zone. हम देखते हैं कि किस तरह से जलसा के बाहर अब जो है ये पूरा का पूरा लेबल लगाया जा रहा है कंटेनमेंट क्षेत्र का लेबल प्रोहिबिटेड एरिया इसको डिक्लेयर कर दिया है यहाँ से हाँ दादा खाली बता दो ना आप लोग बीएमसी से आए हैं और क्या तैयारी नहीं बता दीजिए आइए लोग लाइव डालो लाइव आप लोग कैसे करने वाले हैं सैनिटाइज सैनिटाइज करने आए आप लोग बीएमसी से जी सैनिटाइज करने आए तो कैसे प्रोसीजर होगा आप लोगों का प्रोसीजर कैसे होता है सैनिटाइजेशन का अमिताभ को कोरोना पॉजिटिव पाने के बाद से ही उनके लाखों फैंस उनकी सलामती की दुआएं कर रहे थे। कोलकाता के एक मंदिर में तो उनके सलामती के लिए अखंड महामृत्युंजय जप का आयोजन हुआ। आज महानायक अमिताभ बच्चन के स्वास्थ्य लाभ हेतु महामृत्युंजय मंत्र और रुद्राभिषेक करके संस्कृति बचाओ मंच ने प्रार्थना करी कि प्रभु उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। सावन का महीना चल रहा है और सावन माह जो है भगवान शिव का प्रिय माह है। महानायक अमिताभ बच्चन हमारे भोपाल के दामाद हैं, मध्य प्रदेश के दामाद हैं। हम प्रभु महामृत्युंजय और प्रभु पशुपतिनाथ जो है शिव मृत्यु को हरने वाले, रोगों को हरने वाले, व्याधि को हरने वाले, संकटों को हरने वाले, ऐसे संकट हरता भगवान शिव से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें और वे शीघ्र स्वस्थ होकर वापस जो है फिल्म इंडस्ट्री में आकर हम लोगों का मनोरंजन। मशहूर सैंड आर्टिस्ट श्री सुदर्शन पटनायक ने अपने अनोखे ढंग से उनको ब्लेसिंग दी और लिखा गेट वेल सून।
अपनी प्रचंड इच्छा शक्ति और फैंस के ब्लेसिंग के बलबूते पे इस महानायक ने कोरोना के ऊपर मात दी। इन सब को धन्यवाद देते हुए अमिताभ ने ट्विटर पर लिखा, मेरा कोविड टेस्ट निगेटिव रहा है, मैं डिस्चार्ज हो चुका हूँ, मैं घर पर ही क्वारंटाइन रहूंगा, भगवान का शुक्र है, माँ बाबूजी का आशीर्वाद। मेरे करीबियों, दोस्तों और फैंस की प्रार्थनाओं से और साथ में नानावटी अस्पताल के स्टाफ की अच्छी देखभाल से ये दिन देखने को मिला। अपनी प्रचंड इच्छा शक्ति और करोड़ों फैंस के ब्लेसिंग से इस फैमिली ने कोरोना के ऊपर मात दी। अमिताभ ने गाई हुई मुश्किल वक्त की ये कविता आज उन्होंने अपने ऊपर ही साबित करके दिखाई। गुजर जाएगा मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा, गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है, लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं, कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं, मगर यकीन रख ये बस लम्हा है, दो पल में बिखर जाएगा, जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। दोस्तों, सदी के इस महानायक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।